तो फ्रेंड ये लीजिए, आज मैं आपके सामने अपनी थाली तैयार करूंगा, मतलब लगाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें तैयार है। कढ़ाई में मेरे कढ़ाई में जीरा राइस रखे हैं और ये सैलेड रखा है। इसमें हमारी दम आलू की सब्जी जो मैंने बनाई, एकदम कर्री कर्री बनाई, कर्री जब देखोगे तब पता चलेगा आपको। तो फिर चलिए सबसे पहले हम राइस करते हैं अपनी थाली में, आपके सामने सजाने वाला हूँ, कलर चेंज हो जाएगा। अपने हाथ का यूज करता हूँ, जीरा राइस गर्मा गर्म है भाई। तो फ्रेंड ये लीजिए, चावल तो मैंने ले लिए, चावल देख रहे हो ढेर सारे लिए, बाकी सब्जी के लिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है अपने दम आलू के, अब बाकी दम आलू की सब्जी मेरी बस। तो फ्रेंड ये रही मेरी दम आलू की सब्जी। इसमें फ्रेंड मैं दाल का भी यूज़ किया है, दाल दम आलू बोल सकते हैं आप, और आप देख रहे हो कितने टेस्टी मज़ेदार बने, कर्री तरीके से बनाए मैंने, कर्री कर्रे बनाए कर्रे, आप देख रहे हो उसमें अभी ग्रेवी भी है ढेर सारी। और देखने में देख रहे मज़ेदार टेस्टी लग रहा है, सूखने में भी आहा ऐसे कर रहे मैंने। तो मैंने ये थाली मैंने अपनी अभी भी सजाया, तो फिर मैंने थाली को देख लिया मैंने कैसे कैसे सजाया, कैसे डेकोरेशन किया है, बिना इन्हें ऊपर से एक्स्ट्रा बाद में ये देसी घी और डाल दिया, देसी घी ढेर सारा, तो खाने में आसानी निकल दिया लिया सब, सब, सब। और फ्रेंड से बिग राइस थाली आप देख सकते हो, हमारी पाव वाली थाली तो है ही, देख रहे हो बड़ी वाली, और उसमें ढेर सारे राइस मेरे कैसे भरे आपने देखा, मैंने ढेर सारे राइस बनाए थे, बासमती राइस सारे मैंने थाली में भर दिए सारे इसमें। तो आप देख सकते हो काफ़ी मज़ा आने वाला है, खाना हो रहा है ठंडा, फ्रेंड मिलेगी सजा हारने वाले को। फ्रेंड चलिए चावलों को हम कितनी देर में इस थाली में से ख़त्म कर देने वाले, आप देखने वाले बने तैयार, और इसमें इतना सारा घी डला है कि मुँह एकदम चबाने की लत नहीं, अपना मुँह में सरकेंगे, क्या होने वाला है, भी नहीं हो पाएगी चबाने के लिए पड़ेगी, नहीं इसीलिए तो मैंने घी का इस्तेमाल किया चबाने के लिए नहीं पड़ेगी इसलिए घी का यूज किया है, समझदार है मैंने भाई। 3, 2, 1 पहले टेस्ट ले लो थोड़ा बड़ा, स्पाइसी है मज़ेदार है, अब दम आलू एकदम मस्त तरीके से फूटेंगे, अब बारी आई थाली को ख़त्म करने के लिए, टेस्ट ले लिया बनिया। आलू फोड़ने का तो मजे कुछ और है। जो मिर्ची ज्यादा से इसकी आ रही है, No.
नींबू किसी ले रखा है? बिना ही नींबू, नींबू को चटकारा तो लेना ही लेना चाहिए। मैं राइस में स्क्वीज करूँगा। ये नींबू भाग रहा हाथ में से निकल निकल के। तब आएंगे भाई, आ जाओ आलू वो तो मैश कर करके मैं चावल में मिला दूँ। मिर्ची का चटकारा, मिर्च ने तो तेल का मचा दिया पेट में। स्पाइसी बहुत, ये गोल्डन वो गोल्डन भाई गर्मी का सर, नहीं बोले थोड़े चावल कच्चे रहे ना, कच्चे में थोड़ा टाट टाट बना अगर चावल सारे खत्म, सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई थी तो सब्जी ग्रेवी ग्रेवी बच गई, आलू तो मैंने एकदम मस्त तरीके से फोड़ फोड़ खाया, फोड़ फोड़ खाने मजे आ रहे थे, कई दिन आएगी थोड़े से चावल बचे। फिर मैंने पहले मैंने तो साथ में ढेर सारा पानी भी पिया है और इतने सारे चावल भी खाए, सोच के देखो पेट में अभी क्या हो रहा है, पेट एकदम भारी हो गया, कर रही तरह से भारी। तो अब बिना आई को मिली पनिशमेंट, पनिशमेंट खाना शुरू करो और ढेर सारी चीज़ खिलाने वाले, पहले तो नींबू का छिलका खाएंगे। अभी मिर्ची खाएंगे, ने एक चटकारा लिया था मैंने, इसमें वापस रख दी थी, क्यों रख दी थी, तीखी ज़्यादा।
बाकी मैं तो 60 में रखूं। अभी और भी चीज है, अब खेत में जब आलू हो गया तो आलू को तो कहीं तो कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे, आलू की सब्जी बनेगी, आलू के पराठे बनेंगे, आलू को पता नहीं क्या क्या बनने वाला है, और कच्चा आलू बना ही खाने वाला है। पहले टीकाकरण हो जाए। कैसा मारते <है? laughs> कैसा मारते मोमेंट बतासे के बाद अब कच्चा आलू खाएंगे, ज्यादा जूते मारते मुंडो में। मुझे पता नहीं वहाँ पे मतलब टी कभी का होता है, शादी वादी होती है तो मुँह बता से देने का ऐसा मुँह में मुँह मारते हैं अपने सिर के ऊपर मारते हैं घुसा, पता नहीं वो ध्यान भूल गया। हमारे खेत का आलू टेस्टी है, देख रहे हो बिना कितने मजे से खा रहे कच्चा आलू। आपने कभी कच्चा आलू खाया मुझे कमेंट से कमेंट करके बताना है, तो बड़े साजी का कच्चा आलू है और इतने मजे से खा रहे हैं चवा चा का आप देख रहे हो, क्योंकि बता सा खाने का कच्चा आलू खाने का मजा आता है, आपने घर पर ना खाए लेकिन बिना को मजा आ रहा है, आपको मजा नहीं आएगा। तो फिर चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिर्ची खाने के बाद यही एक रास्ता था अपने मिर्ची साथ करने का। तो चलिए आज के लिए तो